Hello students, so here we are going to discuss about decimal to binary encoder. Last class we have studied about octal to binary encoder. Last class हम लोग octal से binary encoder पढ़े थे जिसमें octal में 0 to 7 था और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे decimal to binary encoder करेंगे. ठीक है, means decimal से binary में convert करेंगे. So decimal ना digits में क्या होते हैं, total 10 डिजिट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 9. सो देयर आर 10 डेसिमल डिजिट्स 0 थ्रू 9 इन डेसिमल सिस्टम. 0 टू 9 होते हैं, दिस 10 डेसिमल डिजिट्स कैन बी इनकोडेड इन बाइनरी फॉर्म. ऐसी 10 डिजिट सिस्टम्स को हम लोग इनकोड करते हैं बाइनरी फॉर्म में. द डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर देयर फॉर रिक्वायर 4 आउटपुट बिट्स. तो उसमें हमको क्या चाहिए, आउटपुट कितना चाहिए, 4 आउटपुट बिट्स चाहिए. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस ट्रुथ टेबल. D0, D1, D2, D3, इट इज़ अप टू D9. वहाँ D7 था, हाँ जब मेरे पास 8 था. अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ D9 तक चलेंगे ताकि टोटल डिजिट्स कितना हो जाए, 10 हो जाए. तो देखो पहले D0 को 1 देंगे, सारा वैल्यूज 0 रखेंगे. फिर एक बार D1 को, सेकेंड टाइम में D1 को 1 देंगे, मीन्स आउट इनपुट हाई करेंगे, बाकी सबका इनपुट क्या करेंगे, लो करेंगे. उसी तरह से D2, फिर नेक्स्ट स्टेप में D3, देन नेक्स्ट में D4, देन D5, D6, D7, D8, D9, अप टू यहाँ D9 तक हम लोग वन बाई वन इसके इनपुट को क्या करेंगे, हाई करते जाएंगे. अब जैसे कि यहाँ पर 10 डेसिमल है, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 वेरिएबल लेंगे. पहले था ऑक्टल के लिए XYZ, यहाँ पर क्या है, WXYZ 4 के लिए. तो सब में पहले 0 होगा, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ Z में 0 है, यहाँ पर जैसे वैल्यूज़ बढ़ेगा, पहले 000 है, ठीक है. अब 000 के बाद जो वैल्यूज़ बनता है, बढ़ता है, वो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पहले 1 हो गया. अब एक और वैल्यू जब बढ़ेगा तो ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. देखो 0010 हो गया. फिर उसके बाद हमको एक और वैल्यूज़ को बढ़ाना है, तो यहाँ 0 की जगह एक और 1 दे देंगे, तो 0011. अब क्या करना है हमको, फिर एक वैल्यू उसको बढ़ाना है, तो ये वाला 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो देखो इस तरह से हो गया. फिर उसके बाद हमको क्या करना है, फिर एक 1 बढ़ाना है, तो फिर एक 1 बढ़ाना है, तो यहाँ ये जो 0 है इस पर फिर 1 देंगे, तो इस पर 1 देंगे तो किस तरह से हो जाएगा, 0101 यहाँ पर 1 आ जाएगा. उसके बाद फिर इस, फिर एक और बढ़ाना है, तो ये 1 को इधर ले आएंगे और यहाँ पर 0 कुछ नहीं, तो यहाँ पर खाली हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10110. फिर उसके बाद हमको एक और 1 लाना है, मीन्स इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ाते जाना है एक एक वैल्यूज़, तो फिर यहाँ पर 0 की जगह 1 पुट कर देंगे, 0111. फिर उसके बाद हमको एक और को बढ़ाना है, तो ये वाला 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी फिर सब 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हर तरफ यहाँ तीनों में 1 हो जाता है कॉन्स्टेंटली, तो एक 1 जब इधर ट्रांसफ़र होता है तो ये पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट. फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 0 हो गया. उसके बाद हमको एक और बढ़ाना है, तो फिर यहाँ 1 दे देंगे, ठीक है. उससे अगर आगे हमको और बढ़ाना रहता तो ये 1 यहाँ पर रहता, यहाँ पर ये वाला 1 यहाँ पर आ जाता और यहाँ पर क्या बच जाता, 0 बच जाता. तो इस तरह से मेरा आउटपुट बनता है. सो फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल वी फाइंड दैट W इज़ वेन एवर. तो W का वैल्यू 1 कब कब आ रहा है, देखो यहाँ दो बार में ही आ रहा है, या तो D8 1 है या D9 1 है, राइट. सो W इज़ 1 वेन एवर आइदर D8 और D9 इज़ 1. W का वैल्यू 1 कब आ रहा है, जब D8 और D9 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. हेंस द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ W कैन बी रिटन एज़. तो W का जो बुलियन एक्सप्रेशन, उसको कैसे लिखेंगे, D8 प्लस D9. उसी तरह से वेन X इज़ इक्वल टू 1, X का वैल्यू 1 कब कब आ रहा है, वेन D इज़ इक्वल टू 4, D4 और D5 और D6 और D7 इज़ इक्वल टू 1. जब जब D4, D5, D6 और D7 का वैल्यूज़ 1 है, तब X का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो देखो D4 कहाँ है, यहाँ D4 का वैल्यू 1 है, यहाँ X का वैल्यू क्या है, 1 है. जहाँ जहाँ 1 है वहाँ चेक करो कि कहाँ कहाँ पर D4, D5 आया है, इस तरह से, राइट. नेक्स्ट वन इज़ वेन वाई इज़ इक्वल टू 1, वेन एवर आइदर D2 और D3 और D6 और D7 इज़ 1. वाई का वैल्यू 1 कब आया है, जब D2, D3, D6 और D7 क्या आया है, 1 आया है. तो वाई का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7. उसी तरह से Z को देखा जा रहा है, Z इज़ इक्वल टू 1 वेन एवर आइदर D1 और D3 और D5 और D7 और D9 इज़ इक्वल टू 1. तो हेंस द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर Z कैन बी रिटन एट दिस वे. सो एज इट इविडेंट ईच ऑफ द आउटपुट बिट रिक्वायर्स एन OR गेट. तो सारा आउटपुट बिट को क्या चीज़ की ज़रूरत है, OR गेट की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. देयर फॉर द डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर रिक्वायर्स 4 OR गेट्स अरेंज. तो हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या चाहिए, 4
एंड सॉरी और गेट चाहिए, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ अरेंज हो. सिंस इच डेसिमल डिजिट इज इनकोडेड फॉर फोर बाइनरी डिजिट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, BCD मीन्स बाइनरी टू डेसिमल इनकोडर या डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग इनकोडर का नाम देते हैं. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पर देखो, यहाँ D1 से हम लोग D9 तक दिए, जैसे D0 के लिए सबका वैल्यू 0 था, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग D0 नहीं लिए हैं, है ना. तो देखो यहाँ पर कितना और गेट है, 1 2 3 4. अब W के लिए क्या है, यहाँ सारा को वैल्यूज हम दे दिए और एक एक करके इसका और इधर इनपुट जैसा दे दिए. अब यहाँ पर किसको किसको करेक्ट करना है, जैसे W का वैल्यू आया था D8 और D9, तो W में क्या क्या इनपुट होना चाहिए, D8 होना चाहिए और D9 होना चाहिए. उसी तरह से X के लिए 4 इनपुट था, क्या क्या था, D4 D5 D6. तो उसी तरह से इसको D4 से कनेक्ट करेंगे, D5 से कनेक्ट करेंगे, D6 से कनेक्ट करेंगे और D7 से कनेक्ट कर देंगे, किसको, X को. उसी तरह से Y का क्या आया था, D2 D3 D6 एंड D7. तो उस तरह से इसको करेक्शन कर दिया, D2 D3 D6 एंड D7. उसी तरह से Z के लिए मेरा वैल्यूज 5 वैल्यूज आया था, D1 D2 D5 D7 और D9. तो उस तरह से इसको इनपुट के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे. तो इस तरह से मेरा डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर करता है. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन डिकोडर.